ये हमारे सुपर सॉफ्ट अप्पम बनके तैयार है और तड़के वाली चटनी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये बना कैसे, हमने इसको बनाया कैसे। चटनी बनाएंगे उसके लिए मैं नारियल ली हूँ और ये रोस्टेड मूंगफली, और इसी में ये दो मिर्च ऐड कर देंगे। इसी में हम थोड़ी सा नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से ही मिलाइएगा, और थोड़ी सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें 2 चम्मच के करीब ये दही मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से पीसेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छी बन गई। मैं एक तड़का तैयार करूँगी चटनी के लिए, तो उसमें मैं डालूँगी ये मस्टर्ड सीड डालूँगी, डालेंगे करी पत्ता, थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे, और फिर हम इसी में तड़का लगा देंगे। ये हमारी चटनी बनके एकदम तैयार हो गई। हम लिए हैं 1 कटोरी सूजी, उसी कटोरी में 1/2 कटोरी दही लिए हैं, ये फ्रेश दही है, मिक्सी के जार में डाल ली थी, अब ये दही को भी इसी में डाल लेंगे। इसी में हम 3 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। इसी में हम 1 चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सा नमक ऐड कर लेंगे। इसी कटोरी से इसमें हमने सब कुछ डाला था ना, उसी कटोरी से थोड़ी सा पानी भी ऐड कर देंगे और इसको स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसका बैटर जो है ना ऐसे होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा रहे और ना ज़्यादा पतला। स्मूथ बैटर बना लिए हैं हम, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रखे हुए 1/2 घंटा हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से फ्लफी हो गया, और इसमें मैं ऐड कर लूँगी इनो। इनो डालेंगे और इनो डालने के बाद थोड़ी सा उसी के ऊपर पानी डाल दें, तो ये ना एक्टिव हो जाता है, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे हल्के हाथों से, और फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इस नॉन स्टिक तवा लिए हैं और थोड़ी थोड़ी सा ये जो बैटर था ना हमारा घोल अप्पम का, वो डालेंगे। और इसको थोड़ी सा ही डालना होता है, और ये अपने आप बनके तैयार हो जाएगा। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, इसमें ना अपने आप जालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए मैं पूरा दिखाऊंगी, देखिए कैसे जालियाँ पड़ रही हैं इसमें। अभी हमारा अंदर से भी अच्छे से हो गया होगा। ये हमारा अप्पम बनके तैयार है, अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए नीचे से भी अच्छे से हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपने सारे अप्पम बना लेंगे, और मुझे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन अच्छा लगता है, पसंद है मुझे, तो मैं दोनों तरफ ही ऐसे करके सेक लेती हूँ। ये हमारी तड़के वाली चटनी नारियल और मूंगफली की,
और ये अप्पम बनके एकदम तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।